मटन बनेगा बंदा है मुर्गा नहीं, मुर्गा ही बन रहा है और मुर्गा ही बन रहा है मिर्ची मुर्गा तो नहीं। गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 2 ऑफ माय 30 डेज इंटरमिटेंट फास्टिंग, सो लेट्स हैव आवर मॉर्निंग ड्रिंक। दिस इज आर मॉर्निंग ड्रिंक। आपको मैंने रेसिपी तो पूरी दिखाई थी, मैंने इसमें क्या क्या डाला है। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि इससे 20 डेज में वेट लॉस हो जाता है। क्या बोला तूने? और वो रील मुझे भेजी थी मेरी दीदी ने। अब ट्राई करते हैं, ऐसे 20 डेज हम कंटिन्यू तो उसको नहीं कर रहे हैं, बट लेट्स सी। तो अभी इसको ले लेते हैं और अभी टाइम हुआ है 11 बज गए हैं। मैं कुछ नया बनाने वाली हूँ, लाइक पीनट बटर को ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे हम इस तरह से। बहुत टाइम के बाद मैं पीनट बटर खा रही, पहले मैं पता इतना पीनट बटर खाती थी, क्या बताऊँ। अब इसके ऊपर हम रखेंगे बनाना स्लाइसेस। दोनों पर ही डाली, टोस्ट में डालनी थी जो वाली में डाल दिया, अंदर निकाल दिए। तो एक पे हम स्प्रेड करेंगे हनी। आई नो मुझे हनी का तो पता है, नहीं तो टेस्टी लगेगा क्योंकि एक बार मैंने वो बनाया था। तो यस, this is आज का ब्रेकफास्ट टी बनाना सैंडविच एंड ऑमलेट। ऑमलेट खाएगा, गुस्सा जिंदगी का एक ऐसा पार्ट होता है ना, आप बहुत चीजें कर जाते हो। तुमने तो नहीं लिया था पीनट बटर,
जी हाँ। कुछ भी उस हिसाब से सुन। डन विद द ब्रेकफास्ट। मैंने आपको आई थिंक टाइम नहीं दिखाया, लेट मी शो यू। आज थोड़ा सा 11:30 से ऊपर ही हो गया, लेकिन हाँ ईटिंग विंडो स्टार्ट हो चुकी थी हमारी 11:30। 15 मिनट खाने में लग गया हमको। और आज लंच का क्या सीन है, आज होगी नॉनवेज पार्टी ऑफ कोर्स, इसलिए हमने आज हल्का ब्रेकफास्ट किया है। ओ भाई मारो मुझे। तो आज मटन बनेगा या चिकन बनेगा? चिकन। ही गाइस, तो अभी 2:30 बज गए हैं और लोग आना शुरू हो गए हैं और तैयारियां भी शुरू हो गई है। मैं आपको तैयारियां दिखाती हूँ। कितना झूठ कितना फरेब होता है। क्या बोला फिर बोला? वीडियो के पीछे कितना झूठ फरेब होता है उसको पता नहीं चलता है। बड़ा हरामी हो बेटा। आदमी दिखाएगा कर कुछ आ रहा है, हो रहा है कुछ और, बोलेगा कि मटन बनेगा बनना है मुर्गा। नहीं, मुर्गा ही बन रहा है और मुर्गा ही बन रहा है। मिर्ची मुर्गा तो नहीं, दुकान पर काल गया था तुम। उसका मांस तो और बढ़िया होता है यार। ये सब क्यों बोल रहे हो? झूठ झूठ। इधर लहसुन, इधर प्याज, और अभी बनना स्टार्ट होने वाला है। लंच डन और अभी बजे है 5। अभी हम सब लोग जा रहे हैं वॉक के लिए। मैं 22 चेयर्स उन लोगों से पहले आ गई हूँ और अभी तक वो लोग स्टेयर से नहीं आए।
लिफ्ट से नहीं आए, ये लोग आए हैं लिफ्ट से और मैं इन लोगों से पहले पहुंच गई। तो इस ग्राउंड में क्रिकेट चल रहा है एक साइड और दूसरी साइड वॉलीबॉल, और ये लोग खा पी के मस्त है। कोल्ड ड्रिंक चल रही है यहाँ पे। तो आफ्टर वॉक वी आर गोइंग टू मामी होम, दैट इज A6। ये देखो गाइस, आई गॉट अ गिफ्ट। ये है इंडक्टिव रेनबो कलर कप। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस 8:30 बज गए हैं और हमने आज मामी के घर ही अपना एटिंग विंडो ख़त्म कर दिया था। और ये मामी के घर से मैं लाई हूँ पत्ता गोभी का रायता जो कि हम कल खाएंगे, और ये दूध। वाटर विच इज़ वार्म ऑब्वियसली, नहीं ठंड है ना, ये पानी गर्म करने में इतना टाइम लग गया। तो अभी बजे हैं 10 और कल भी हम 10 बजे सो गए थे, और आज भी थोड़ी सी बुक पढ़ूंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। और अब टाइम है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि आज मैंने मॉर्निंग ड्रिंक में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले थे। ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो आपको इजीली पता लग जाएगा, और आंसर मैं दूंगी Day 30 पे, और Day 30 पे या उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी गिव अवे आंसर और विनर जब अनाउंस करूंगी उसी टाइम। और आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स मैंने डाले हैं, और आपको एक अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा Day 30। या आप, मैं मतलब जो भी विनर होगा ऑब्वियसली मैं उनका एड्रेस लूँगी और उनके एड्रेस पर वो गिफ्ट पहुँचा दूँगी। ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियोस को। अगर आपको नहीं पता है तो गिव अवे में क्या है कि मैं डेली क्वेश्चन पूछूंगी और आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी विनर होगा उसको मैं एक गिफ्ट दूँगी, 30 डेज के बाद विनर अनाउंस होगा। तो यही था मेरा Day 2 ऑफ 30 डे इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आज भी सक्सेसफुली हमने नहीं खाया एक्चुअली, मतलब एक ही टाइम खाया, उसके बाद इतना हैवी हो गया था, फिर तो मामी के घर ही जो खाया वो खाया। हम वापस मैं 8:30 बजे आई थी। तो या बाय। हे गाइस, सो इट्स 8:00 PM। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ये इंसान हंसता क्यों रहता है। एनीवे इग्नोर हिम। तो हाँ, तो ध्यान